तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और बहुत न्यू होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेड फॉर किड्स को कैसे हटा सकते हैं। क्योंकि मेड फॉर किड्स एक ऐसा चीज़ है जो अगर आपने अगर ऑन होगा तो आपके चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर सकता है, या फिर आपके यूट्यूब चैनल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसे कोई सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा, तो आपका कुछ भी नहीं होगा उससे। तो आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बता दूंगा कि आप मेड फॉर किड्स कैसे हटा सकते हो, और फुल डिटेल में उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको साइड में दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली अपने क्रोम में चले जाना है। तो क्रोम में आने के बाद सिंपली आपको एक न्यू टैब सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप इसमें सर्च बार में www.youtube.com सर्च कर सकते हो, नहीं तो अगर आपका चैनल है तो यहाँ पे एक YouTube का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद साइड में थ्री डॉट दिख रहा होगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसे एनेबल कर देना है। तो ये एक डेस्कटॉप पीसी की तरह काम करेगा। तो ये सिंपली ये पेज लोड हो रहा है, तो हम इसे फुल्ली लोड होने देते हैं। तो ये आधा लोड हो चुका है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जूम करूँगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे चार सर्कल्स दिख रहे हैं। तो हमारे चैनल का लोगो भी आ चुका है इस जगह पे। तो लोगो आने के बाद आपको सिंपली इसमें क्रिएटर स्टूडियो में चले जाना है। तो आपको लोगो पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्रिएटर स्टूडियो में जा सकते हो। तो हम सिंपली क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करेंगे और फिर से एक अनदर पेज ओपन होगा। तो ये ऊपर आप लोग देख सकते हो ये लोड हो रहा है, तो हम इसे धीरे धीरे फुल्ली लोड होने देते हैं। तो ये जब लोड हो जाएगा तब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सिंपली ऐसे लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये लोड हो चुका है पूरी तरीके से। तो हम अपने क्रिएटर स्टूडियो में आ चुके हैं। तो क्रिएटर स्टूडियो में आने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे कोने में है साइड में, तो आपको ये देख लेना और इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने चैनल्स के और बहुत कुछ। तो आपको सिंपली अपने चैनल में चले जाना है। तो हम अपने चैनल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑडियंस ऑप्शन दिख रहा है, तो उसके नीचे लिखा है दिस इज़ मेड फॉर किड्स और नॉट। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला वाला येस इट मेड फॉर किड्स, और दूसरा होगा नॉट मेड फॉर किड्स। तो आपको वही सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये कोपा का एक प्रोसेस है। अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो आपका चैनल कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, क्योंकि ये एक किड्स का कंटेंट हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसे नो पर सेट कर देना है, और अगर आपका किड्स का कंटेंट है तो आपको सिंपली इसको येस ही रखना है। तो ये करने के बाद आपको सिंपली साइड में सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये आराम से ऐसे सेव हो जाएगा, और आपका ये मेड फॉर किड्स हट जाएगा, या अगर आपको रखना है तो ये रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा इस कोपा का प्रोसेस आपको समझा दिया है, फुल डिटेल में आपको बता दिया है कि कैसे आप मेड फॉर किड्स हटा सकते हो। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेड फॉर किड्स रखते हो अगर, तो आपका कंटेंट किड्स का होना चाहिए, और किड्स का कंटेंट नहीं है तो फिर आपका चैनल बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब बटन हट जाएगा और आपके चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो आपको फुल डिटेल में बता दी है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। और लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।